हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आई स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बांगड़ पीजी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसा कॉलेज है जहाँ पर इंक्यूबेशन सेल की स्थापना की जानी है और इस सेल के अंतर्गत आई स्टार्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इस प्रोग्राम में किस तरह से स्टूडेंट अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करवा सकते हैं और किस तरह से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाएंगी, इस संबंध में आज डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं आयोजित कर रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर विनीता अरोड़ा, आपकी मेंटर और रिसोर्स पर्सन के रूप में। सबसे पहले इस चर्चा में जिन बिंदुओं पर बात की जाएगी वो ये कि आई स्टार्ट प्रोग्राम क्या है, किस तरह से स्टूडेंट इस प्रोग्राम में रजिस्टर करवा सकता है, रजिस्ट्रेशन के पश्चात किस तरह से कार्य किया जाएगा, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट चैलेंजेस के लिए, और LMS मॉड्यूल किस तरह से आपको प्रशिक्षित करेगा, इस बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आई स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में। ये आई स्टार्ट प्रोग्राम क्या है? एक्चुअली आई स्टार्ट प्रोग्राम की बात की जाए तो यह DOIT गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स में इनोवेशन, यूनिकनेस, स्टार्टअप के आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए है। इससे कुल मिलाकर जॉब्स क्रिएट होंगी। आपको जो आइडियाज़ स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं उसको इन्वेस्टर से किस तरह से मिलाया जाए, ये एक तरह की स्टेट गवर्नमेंट की पूरी प्लानिंग है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बहुत बड़े मुद्दे को रिजॉल्व किया जाएगा। कुल मिलाकर यदि इसकी बात की जाए तो यह प्रोग्राम कहता है कि डोंट बी द जॉब सीकर, जॉब ढूंढने वाले न बने जबकि जॉब क्रिएट करने वाले बने। इस प्रकार ये एक इंटीग्रेटेड स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो सारे स्टार्टअप से रिलेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन देगा। साथ ही स्टार्टअप आइडियाज जो कि स्टूडेंट्स के होंगे उन्हें इन्वेस्टर से कनेक्ट करेगा और इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टार्टअप आइडियाज के साथ कनेक्ट करेगा। साथ ही इन आइडियाज के चांस ऑफ सक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए भी कार्य करेगा। स्टार्टअप के कई सारे आइडिया जो स्टूडेंट से हमें मिलेंगे वो हो सकता है कि बहुत अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी उन्हें हम ब्रशअप करने का काम करेंगे एज मेंटर के तौर पर। तो ये प्रोग्राम कुछ इसी तरह से काम करेगा। बांगड़ महाविद्यालय में स्थापित इंक्यूबेशन सेल में इसी तरह से स्टूडेंट्स के स्टार्टअप आइडियाज को ब्रशअप किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी कंटिन्यूअस प्रमोट करने के लिए, और साथ ही इस तरह के आइडियाज को गवर्नमेंट की सीड फंडिंग जो प्रोग्राम्स है उनसे कनेक्ट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो यूनिक आइडिया स्टूडेंट्स के दिमाग में है उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में इंसेंटिव्स भी शामिल है, अवार्ड्स भी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात की जाए स्टूडेंट्स तो 50,000 जो फर्स्ट बेस्ट आइडिया चुना जाएगा उसको 50,000 का रिवॉर्ड है। उसी तरह से डिविजनल लेवल पर इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुने हुए 3 आइडियाज़ को डिविजनल लेवल पर भेजा जाएगा और डिविजनल लेवल पर 75,000 का फर्स्ट रिवॉर्ड होगा। और इसी तरह से ये 3 आइडियाज़ हर एक डिविजन से स्टेट लेवल पर जाएंगे और स्टेट लेवल पर फर्स्ट प्राइज जो है वो 1 लाख रुपए का है। और विद्यार्थियों, बांगड़ महाविद्यालय की मेंटर के तौर पर, यानी आप सभी के मेंटर के तौर पर मैं ये चाहती हूँ कि हमारा आइडिया स्टेट लेवल के लिए कॉम्पीट करे। तो यानी आपके आइडिया में वो दम होना चाहिए, वो बात होनी चाहिए। एन आइडिया कैन मेक योर लाइफ, कैन चेंज योर लाइफ। इसी पर हम बात करेंगे और इन्हीं चीज़ों को डेवलप करने के लिए आज की ये ट्रेनिंग, आज का ये वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिलहाल हम अब देखते हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम में रजिस्टर किया जाए, आफ्टर रजिस्ट्रेशन किस तरह से कार्य किया जाएगा और किस तरह से हम चैलेंजेस को अप्लाई करेंगे और LMS मॉड्यूल्स किस तरह से आपको प्रशिक्षण देंगे, इन्हीं सब की बात करते हैं। और इसके लिए हम थोड़ा ऑनलाइन लाइव होना चाहेंगे और इसके लिए आप देख रहे हैं मैंने अपना गूगल का विंडो खोल दिया है और किस तरह से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो लाइव प्रेजेंटेशन में आपके सामने दे रही हूँ।
सबसे पहले आप गूगल के सर्च बार पर आई स्टार्ट टाइप करें, और आई स्टार्ट टाइप करने के बाद सबसे पहले जो टैब खुल रहा है वही हमारा आई स्टार्ट राजस्थान, यानी आई स्टार्ट डॉट राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट इन पर हमें लैंड करेगा। इसे लैंड करने के बाद हमारे पास ये 7 टैग्स आपको दिखेंगे। स्टार्टअप के बारे में सारी जानकारी ये देगा, साथ ही स्कूल स्टार्टअप, रूरल स्टार्टअप, बेनिफिट, इनक्यूबेटर्स, पार्टनर्स, इवेंट एंड लॉगिन। आपका काम केवल स्कूल स्टार्टअप पर रहेगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, इसलिए अपना एसएसओ आईडी और पासवर्ड यहाँ पर तैयार रखें। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें अबाउट में जाना होगा, और क्योंकि एज स्टूडेंट आपको काम करना है तो एज स्टूडेंट पर आप क्लिक करेंगे। देखिए, क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो रही है, और इस विंडो में स्टार्टअप स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ये स्कूल स्टार्टअप जरूर लिखा हुआ है लेकिन स्कूल एज एन इंस्टीट्यूट यहाँ पर नाम लिया गया है। स्कूल और कॉलेज दोनों के ही विद्यार्थियों के लिए यह परियोजना लाभकारी है। और किस तरह से यहाँ पर काम किया जाएगा, देखिए, आपको स्कूल स्टार्टअप में अबाउट में जाना है, और अबाउट के बाद आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट पर क्लिक करने पर ये जो विंडो है हमारी, ये खुल जाएगी। नाउ इस विंडो पर आपको अब देखना है यहाँ पर अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो देखिए, ये आपसे एसएसओ आईडी मांग रहा है। मेरे पास ऑलरेडी एक स्टूडेंट की मैंने एसएसओ आईडी ले रखी है, हम उस स्टूडेंट की एसएसओ आईडी से ही काम करते हैं, और देखते हैं किस तरह से यहाँ पर काम होगा। क्रेडेंशियल्स यहाँ पर आप अपने एंटर करेंगे, इसीलिए ही मैंने आपको कहा है कि पहले आप अपनी एसएसओ आईडी तैयार रखें, उसका पासवर्ड तैयार रखें। और इस तरह से आप आई स्टार्ट एप्लीकेशन पर डायरेक्टली लैंड कर रहे हैं। और जब आप आई स्टार्ट एप्लीकेशन पर जाएंगे तो जिसका एसएसओ आईडी मैंने खोला है उसका एसएसओ आईडी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिख जाएगी। देखिए, यहाँ पर पहले जो लॉगिन बता रहा था, यहाँ पर अब मैंने हिमांशु माली का एसएसओ आईडी ओपन किया है, तो अब ये हिमांशु माली के एसएसओ आईडी पर हम आ गए हैं। और साथ ही मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी यहाँ पर खुल गया है। तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, देखिए, शैक्षणिक प्रकार है कॉलेज, और साथ ही क्योंकि हम कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो कॉलेज, साथ ही आपको अपने कॉलेज का प्रकार सेलेक्ट करना होगा। आप डिग्री कॉलेज से हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, आईटीआई है, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट या पॉलीटेक्निक कॉलेज है, क्योंकि डिग्री कॉलेज है तो हम डिग्री कॉलेज में बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट का कोड यहाँ पर, जो भी आपका स्कॉलर आईडी है वो भर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी से आपको जो इनरोलमेंट मिला हुआ है, इनरोलमेंट नंबर मिला हुआ है, उसे भरा जा सकता है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर हिमांशु माली हमने भर दिया है, हिंदी में भी ये नाम पूछा गया है तो मैं इसे भर देती हूँ। साथ ही फादर नेम, मदर नेम, आप माता पिता या गार्जियन दोनों, तीनों में से किसी का भी नाम दे सकते हैं। मेरे पास स्टूडेंट का फादर नेम अवेलेबल है इसलिए मैं फादर से लॉग इन कर रही हूँ। और इसे हिंदी में भी लिखा जाएगा। तो देखिए, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने मेल सेलेक्ट किया, और डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आधार कार्ड से हमारा एसएसओ आईडी लिंक होता है इसलिए डेट ऑफ बर्थ अपने आप ही आती है। यहाँ पर विद्यार्थी का जो आधार कार्ड नंबर है उसे मैं लिख देती हूँ। तो देखिए, ये फर्स्ट विंडो पूरा हुआ जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। देखिए, अगला हमें रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा गया है, और विद्यार्थी का रेजिडेंशियल एड्रेस भी मेरे पास है, और इसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। और क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें हिंदी में भी देनी होगी इसलिए यदि आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो ये अपने आप ही हिंदी में कन्वर्ट करेगा।
देखिए, राज्य का नाम राजस्थान, जिला आपको सेलेक्ट करना होगा। हम पाली जिले से बात कर रहे हैं तो आप पाली जिला यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। सिटी पाली जिले में कौन सी सिटी है, तो क्योंकि विद्यार्थी पाली सिटी में ही रहता है, आप अपनी सिटी का यहाँ पर नाम लिखें और पाली का पिन कोड नंबर मैंने यहाँ भर दिया है। आप अपने एरिया का, अपने सिटी का पिन कोड नंबर यहाँ लिखें। मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का लिखा है। यहाँ मोबाइल नंबर लिखने के बाद विद्यार्थियों ध्यान रखिए, जैसे ही मैं वेरीफाई पर क्लिक करूंगी, यहाँ पर एक ओटीपी इस गिवन नंबर पे जनरेट होने वाला है, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, इसलिए फिलहाल मैं वेरीफाई का ऑप्शन छोड़ रही हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर ईमेल आईडी भी यहाँ पर आएगा, और ईमेल आईडी को यहाँ पर लिखने के बाद और वेरीफाई करेंगे तो इस तरह से ये वेरीफाई होगा। ध्यान रखिए, आपको मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करने हैं और साथ में ईमेल आईडी पर जैसे ही आप लिखेंगे और उस पर वेरीफाई क्लिक करेंगे तो आपकी मेल आईडी पर भी एक पासकोड पहुंचेगा और ये पासकोड यहाँ पर आपको भरना होगा। नेक्स्ट विंडो खुलेगी, ये ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस है जिसे आपको पूरा करना होगा। अगली बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या कोई उपलब्धि है। फिलहाल विद्यार्थी की कोई उपलब्धि नहीं है। यदि आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे तो देखिए एक विंडो यहाँ पर और खुल जाती है, यहाँ पर एक टैब और खुल जाता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि आप अपनी फाइल चूज करें, यानी आपकी कोई उपलब्धि है और सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर डाउनलोड करके रखें, और ये सर्टिफिकेट का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट को। इसी तरह से फिलहाल मैं यहाँ नो कर रही हूँ। क्या आप इंक्यूबेशन सेल से जुड़े हुए हैं? तो नहीं, फिलहाल इंक्यूबेशन सेल में आप रजिस्टर करवा रहे हैं, इस आइडिया में आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसी तरह से आप केंद्र या राज्य सरकार की किसी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है, उसमें पुरस्कार जीता है या फाइनलिस्ट रहे हैं, तो यहाँ पर भी यस करते ही आपके पास इंफॉर्मेशन इस तरह से जनरेट होगी। लेकिन विद्यार्थी के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है तो मैं नो कर रही हूँ। और किसी समस्या का कोई विचार समाधान जो कि साझा किया जा सके, यहाँ पर आप अपने स्टार्टअप के आइडिया को शेयर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन है, यस या नो। मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। अभी जब रजिस्ट्रेशन करते समय हमें जरूरी नहीं है कि आइडिया एट द टाइम ही देना है, किस तरह से प्रपोजल तैयार किया जाएगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल यदि आपके पास कोई आइडिया नहीं है, केवल हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर ही जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर नो क्रिएट करें। लेकिन यदि आपके पास कोई आइडिया है तो आप यहाँ यस क्रिएट करें, और यस के बाद यहाँ पर चूज फाइल होगी। इस फाइल को चूज करेंगे और फाइल चूज करने के बाद आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास विद्यार्थी का एक आइडिया है, मैं इसे फाइल को चूज करती हूँ और हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा आइडिया यहाँ पर हम दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्रपोजल तैयार किया है, ये सैम्पल प्रपोजल यहाँ पर अपलोड हो गया है। ध्यान रखिएगा, इसका साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी साइज को रिड्यूस करके ही सेव किया था, और इस तरह से एक प्रपोजल मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। यदि आपके पास किसी तरह का प्रपोजल नहीं है तो आप डायरेक्टली नो पर क्लिक करें, आपका प्रपोजल देने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आप केवल अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बाद में जब भी आपको आइडिया आता है तब आप अपने प्रोफाइल को एडिट करेंगे, और एडिट करते वक्त आप अपना आइडिया यहाँ पर डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हैं। अब आपके पास आता है इंस्टीट्यूशन डिटेल, आपके इंस्टीट्यूशन की क्या डिटेल है, आपके इंस्टीट्यूशन का कोड क्या है। इंस्टीट्यूशन के कोड के लिए आपको यहाँ पर आयशा का कोड लेना होगा। ऑल इंडिया सर्वे जो हमारा चलता है, सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास अपना कोड होगा। यदि आपका प्राइवेट कॉलेज है तो आप अपने प्रिंसिपल से जानकारी ले लें कि आपके इंस्टीट्यूट का कोड क्या है। यदि आपके इंस्टीट्यूट का कोड फिलहाल आपको मालूम नहीं है तो एक बार आप 1 2 3 4 5 भर दें। जब भी आपको अपने इंस्टीट्यूट का सही कोड पता चले तो एडिट प्रोफाइल में जाकर आप अपने इंस्टीट्यूट के कोड को भी सही कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो गवर्नमेंट बांगर पीजी कॉलेज पाली। इसी तरह से हिंदी में संस्था का नाम मांगा जा रहा है।
तो मैंने ये सारी जानकारी यहाँ पर भर दी है। आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर भरें, आपका डिवीज़न कौन सा है, क्योंकि हम पाली डिवीज़न पर बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पाली भरना होगा, और इसी तरह से पाली डिवीज़न में आपके एक ही डिस्ट्रिक्ट पाली डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। आपका टीचिंग स्ट्रीम कौन सा है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, ये आपको यहाँ पर भरना होगा। साथ ही आपको यहाँ पर अगला पूछा गया है, क्या शैक्षणिक संस्थान के संस्था में उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ है, यदि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट सेल यहाँ पर है तो आप यस भरें, और यदि नहीं है तो आप नो भरें, क्योंकि हमारे बांगड़ कॉलेज में ये सेल है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर यस करते हैं। और उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ के लिए संपर्क व्यक्ति का नाम क्या है, तो संपर्क व्यक्ति का नाम आपको यदि आप अपने कॉलेज में आपके जो आई स्टार्ट से रिलेटेड मेंटर्स जो अपॉइंट किए गए हैं आप उनका नाम लिखेंगे, और बांगड़ कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी हैं वो या तो मेरा नाम लिखेंगे बिकॉज आई एम अपॉइंटेड एज द मेंटर, और आप डॉक्टर अपूर्व माथुर का भी नाम लिखे लिख सकते हैं। यहाँ आपके कॉलेज से दो मेंटर अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन के द्वारा। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है, और किस तरह से आपको अगला पूछा गया है कि किस तरह से आप इस संबंध में जानकारी में आए हैं, तो आपको कैसे पता चला है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने सोशल मीडिया से पता चला है या ईमेल न्यूज़लेटर से पता चला है, कुछ इस तरह से जानकारी हम लिखते हैं, क्योंकि ये रेड मार्क नहीं है, रेड स्टार्ड नहीं है, इसलिए भरना जरूरी भी नहीं है, यदि विद्यार्थी चाहे तो इसे छोड़ भी सकता है। आपका इंटरेस्ट ऑफ चैलेंज क्या है, सात चैलेंजेस यहाँ पर देने होंगे, यानी सात चैलेंजेस में आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, फूड एंड एग्रीकल्चर, वाटर एंड सैनिटाइजेशन, हेल्थ एंड वेलबींग, एजुकेशन, रोड सेफ्टी एंड कोविड-19। आप किस में अपनी बात करना चाहते हैं, मैंने जो सैम्पल प्रपोजल तैयार किया है वो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट को सेलेक्ट कर रही हूँ। फिलहाल आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर रेड स्टार नहीं है, मतलब आप इसे छोड़ भी देते हैं तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। इसी तरह से अब हम अगले लास्ट विंडो पर आ रहे हैं, जो कि है दस्तावेज की जांच सूची। दस्तावेज जांच सूची में देखिए आपसे तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। सबसे पहले पासपोर्ट साइज की फोटो, आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटो पहले ही तैयार रख लेनी है, स्कैन करके आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए, और इसका साइज जेपीजी में होना चाहिए। जेपीजी में इसका 1 MB से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए, यानी इमेज में होना चाहिए लेकिन इसका साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आपका आधार कार्ड यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है। मेरे पास विद्यार्थी का आधार कार्ड है, इसे यहाँ पर चूज करके मैं अभी अपलोड करके आपको दिखाऊंगी। और सेम इसी तरह से आपसे स्टूडेंट आईडी कार्ड मांगा गया है, इसकी भी आप फोटो लेकर तैयार रखें, और यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। देखिए किस तरह से आपको अपलोड करना है, आप स्टूडेंट का फोटो मैंने यहाँ पर रेडी किया हुआ है, ये स्टूडेंट का फोटो मैंने यहाँ पर अपलोड किया है। फाइल साइज जरूर चेक कर लीजिएगा, स्टूडेंट का आधार कार्ड का भी फोटो मेरे पास रेडी है, तो स्टूडेंट के आधार कार्ड को भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया है, और इसी तरह से स्टूडेंट का आईडी कार्ड भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया। देखिए ये सारा अपलोड पूरा हो गया है, अब यहाँ पर हमने सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है, सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने यहाँ पर भर दिया है। अब देखिए यहाँ पर फाइनली हमें सबमिट करना होगा, क्योंकि मैंने ईमेल वेरिफिकेशन और मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं किया है, इसलिए ये सबमिट नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप जब भी अपने आप को रजिस्टर करें तो यदि आपके पास सबमिट करने पर किसी तरह का कोई कमी आती है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने ओटीपी वेरीफाई नहीं किया है, इस वजह से ये आपको प्रॉब्लम बता रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी तरह से आपने सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है, तो आपका सबमिट करने के बाद आपके पास एक मैसेज पहुंच जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रजिस्टर्ड, वी आर गेट बैक टू यू, हम आपके पास तुरंत पहुंचेंगे। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट यहाँ पर आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन की बारे में बात कर दी है। स्टूडेंट इस तरह से फॉर्म को रजिस्टर्ड करना है, तो चलिए फिलहाल जब आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट का एसएसओ आईडी और पासवर्ड है, और उसी पर ही मैं आपसे बात करूँगी। जब आप एक बार रजिस्टर्ड हो चुके हैं
तब आपको क्या करना है? देखिए, यदि आप रजिस्टर्ड हो गए हैं तो अब आपको अपने होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर जाने के लिए फिर से आप वही लॉगिन का प्रोसीजर कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्टली लॉगिन करें। तो यहाँ पर देखिए, आपसे डायरेक्टली SSO ID और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं उसके पास उसके ID और पासवर्ड मेरे पास है, SSO ID, उसी पर ही मैं इसे ओपन करती हूँ। आप अपने SSO ID और पासवर्ड से यहाँ पर रजिस्टर आप हो चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली आप अब रजिस्टर्ड पेज पर चले जाएंगे, यानी अब आप आपके प्रोफाइल के होम पेज पर चले जाएंगे। देखिए, यदि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो अब आप डायरेक्टली अपने होम पेज पर जा रहे हैं आई स्टार्ट के। देखिए, डैशबोर्ड पर आ गए हैं। ये मोहम्मद कैफ स्टूडेंट जिसका फोटो जो हमने अपलोड किया था, वो यहाँ पर आपको दिख गया है। आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिख रहा है। ये डैशबोर्ड, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से आपका कॉलेज, आपका नाम, टोटल 7 कैटेगरीज में आपके चैलेंजेस हैं, 2 टीचर जो बांगड़ कॉलेज से यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 जो कि इसने रजिस्टर किया है, ये यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड पर दिखाई दे रही है। अब यदि आप चाहते हैं कि अपने प्रोफाइल को एडिट करें, तो प्रोफाइल को एडिट करने के लिए यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर जाएंगे। एडिट प्रोफाइल पर जाने पर आप फिर से अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। देखिए, अब यदि यहाँ पर आपको लगता है कि अब मुझे अपना आइडिया अपलोड करना है, या मुझे लगता है कि मेरे नाम की स्पेलिंग में, या मुझे लगता है कि मुझे और कोई नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है जो मैंने पहले नहीं डाली थी, तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यदि कोई एडिट हमारे पास नहीं करना है तो इट्स ओके नाउ। अब आपका अगला काम होगा, जब आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, आप अपने होम पेज पर आ गए हैं, तो आपका अगला काम होगा, आपको टीम बनानी होगी। टीम किस तरह से बनाई जाएगी, क्योंकि बिना टीम के आप अपने चैलेंज को अप्लाई नहीं कर सकते। तो टीम किस तरह से बनाई जाएगी, देखिए, मैंने ऐड टीम पर क्लिक किया है, और यहाँ पर जिसका SSO ID से ये ओपन है, वो लीडर के तौर पर काम करेगा। यहाँ लीडर के तौर पर काम कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, हम 2 स्टूडेंट्स की टीम बनाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट का SSO ID, स्टूडेंट का कोड क्या है, इंस्टीट्यूशन कोड क्या है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का ईमेल ID वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। लेकिन टीम बनाते वक्त ध्यान रखिए, केवल आप अपने डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को ही टीम मेंबर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज ऐड ओनली योर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट इन टीम मेंबर। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को ही टीम मेंबर में सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप पाली से बिलोंग कर रहे हैं और पाली के साथ साथ आप अजमेर के किसी स्टूडेंट को यहाँ पर टीम मेंबर में बना लें, लेकिन ये नहीं हो सकता। आप अपने ध्यान रखिए, यदि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को आप अपनी टीम में शामिल करेंगे। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो टीम मेंबर यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है, जो फर्स्ट मेंबर है, वो एज लीडर के तौर पर काम करेगा और इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अब जितने भी स्टूडेंट्स ऐड किए जाएंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 की टीम रखती हूँ, दैट मीन्स मेरे पास 3 स्टूडेंट्स और ऐड किए जाएंगे। इन 3 स्टूडेंट्स को जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो रिमेनिंग जितने भी मेंबर्स हैं, उनको लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, लेकिन फिर भी आप इनके मॉड्यूल्स को पढ़ना चाहते हैं, आई स्टार्ट के जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जिसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, इनको पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से ये LMS काम करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अदरवाइज जो टीम मेंबर्स हैं लीडर के अलावा, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ पर टीम, एक की ही टीम रखती हूँ और टीम को सबमिट कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह से टीम बन गई है और बिना टीम बने मेरे पास मैं चैलेंज के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले अपनी टीम जरूर बना लें। तो मेरी टीम यहाँ सबमिट हो चुकी है और इस तरह से मैंने अपनी टीम बना ली है। अब आपके पास चैलेंजेस लिस्ट है, इन चैलेंजेस लिस्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या आता है।
ये सात चैलेंजेस हमने यहाँ पर देखे हैं। सात चैलेंजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर, वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ एंड वेलबींग, एजुकेशन से रिलेटेड कोई आइडिया है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड कोई आइडिया है, या COVID-19 से रिलेटेड कोई आइडिया है उससे संबंध में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आप एक फॉर्म पर पहुँचेंगे जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके आइडिया से रिलेटेड भरनी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको चैलेंजेस पर अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ सैंपल बता देना चाहती हूँ। ये सैंपल आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से आपको काम करना चाहिए। सबसे पहले आप अपना प्रपोजल तैयार रखें। यदि आप चैलेंज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन सेवन चैलेंजेस में से किसी एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना एक प्रपोजल तैयार कीजिए। ये प्रपोजल इन पॉइंट्स के अंतर्गत होना चाहिए। मैंने कई स्टूडेंट्स के प्रपोजल देखे हैं, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो इसलिए ये इस एक फॉर्मेट मैंने आपको तैयार करके दिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर वीडियो का, या फिर मैं इसे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक के तौर पर आपको उपलब्ध करा दूंगी। यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम होगा सबसे पहले, आई स्टार्ट प्रोग्राम इंक्यूबेशन सेल, परियोजना यानी आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल। आप हिंदी में बनाना चाहें, इंग्लिश में बनाना चाहें, आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक होगा, किस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने एक सैम्पल प्रपोजल लिया, तो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने अपना यहाँ टॉपिक दिया। उसके बाद आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव या नीड क्या है, आपका प्रपोज्ड सॉल्यूशन क्या आप दे रहे हैं, इसी तरह से आपने क्या प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर किया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसे सॉल्व करने के लिए आपने किस तरह से क्या उत्पाद बनाया है या क्या सेवा आपने अपने आइडिया में दी है, उसी तरह से इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, इस पर भी आपको एक बार बात कर लेनी चाहिए यदि आप अपना प्रपोजल तैयार कर रहे हैं। आपके इस आइडिया से इस प्रपोजल के बेनिफिशरीज कौन-कौन हैं, इस पर भी आपको बात करनी होगी, और साथ ही आपका एग्जीक्यूशन लेवल ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है। और फाइनली एक प्रोटोटाइप बनाकर यदि आप अपने प्रोजेक्ट के प्रपोजल को तैयार करेंगे, तो आई होप एक स्टैंडर्ड प्रपोजल आपका तैयार होगा। तो विद्यार्थी ध्यान दें, जब भी अपना प्रपोजल आप तैयार करें, चैलेंज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये प्रपोजल आपका कुछ इस तरह से इन पॉइंट्स को शामिल करते हुए होना चाहिए। एक सैम्पल प्रपोजल मैंने तैयार किया है, ये देखिए किस तरह से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें क्या-क्या लिखना चाहिए। यहाँ मेरा आइडिया कुछ इस तरह का है कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, और प्लास्टिक कचरे से इको फ्रेंडली ब्रिक्स बनाई जाएगी, ये मेरा स्टार्टअप का आइडिया है। और उसमें किस तरह से, देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा गया है, पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर दिया है और क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद मैंने इस परियोजना के उद्देश्य या उसकी आवश्यकता की बात की है। पॉइंट टू पॉइंट हर एक प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पर एड्रेस किया है। आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ ले, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी, और इसे आप पढ़कर एक जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से और क्या-क्या बातें आपको आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम एड्रेस्ड, और साथ ही आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा है उसमें डालनी चाहिए। तो ये प्रपोज्ड सॉल्यूशन मैंने दिया है कि किस तरह से यहाँ पर इको फ्रेंडली ब्रिक्स बनाई जा सकती है। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर तीन स्टेप्स में, चार स्टेप्स में बात की है, और इस तरह से चार पांच स्टेप्स मैंने यहाँ पर दी है, और इस तरह से हम यहाँ पर पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरा काम, यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट का एक रूपरेखा के तौर पर मैंने काम किया है। और साथ ही जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, परियोजना में क्या नवाचार किया है आपने, यानी क्या उत्पाद बनाया है, तो ये उत्पाद जो बनाया है वो इको फ्रेंडली ब्रिक्स बनाई है, और इस इको फ्रेंडली ब्रिक्स से हम गार्डन के फर्नीचर बना सकते हैं या सजावट के कोई उपकरण बना सकते हैं, इसकी पूरी बात मैंने यहाँ पर की है। अनुमानित लागत के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी जानकारी दी है, और ये आपकी तरफ से भी दी जानी चाहिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। साथ ही परियोजना के लाभार्थी वर्ग कौन कौन से हो सकते हैं, समाज हो सकता है, एनजीओज हो सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लास्टिक कचरे, प्लास्टिक वेस्ट की बात की है, तो इसलिए इसको शामिल करना मुझे ठीक लगा।
फाइनली परियोजना का एग्जीक्यूशन लेवल क्या होगा, यानी सबसे पहले हम इसे स्थानीय स्तर पर लागू करेंगे या स्थानीय स्तर पे भी हम इसे किसी विशेष स्थान पर लागू कर सकते हैं सुनियोजित रूप से लागू करके, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रपोजल तैयार किया। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोटोटाइप। देखिए, एक प्रोटोटाइप मैंने यहाँ पर तैयार कर दिया है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रोटोटाइप को स्टोरी टेलिंग वे में मैंने यहाँ पर दिया है। देखिए, प्रोटोटाइप स्टोरी बोर्ड फॉर द प्लास्टिक वेस्ट सॉल्यूशन विथ इको फ्रेंडली ब्रिक्स। इको फ्रेंडली ब्रिक जो मेरा इनोवेटिव प्रोडक्ट है उसको मैंने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से वेस्ट का कलेक्शन किया जाएगा, वेस्ट का सेग्रीगेशन किया जाएगा, और इस प्लास्टिक की जो थैलियाँ होंगी उन्हें बॉटलों में भर दिया जाएगा और इस तरह से उन पर कलर किया जाएगा, और ये कलरफुल जो ब्रिक्स तैयार होंगी उनसे गार्डन्स की बाउंड्री बनाई जाएगी, गार्डन्स के इस तरह से बाउंड्री बनाई जा सकती है। ये कंप्लीट मैंने यहाँ पर प्रोटोटाइप बनाकर दिया है। विद्यार्थियों, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोटोटाइप क्या होता है ये भी मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। यही प्रशिक्षण आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स में दिया जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गाइज, ये कुछ प्रोजेक्ट प्रपोजल मैंने आपके सामने रखे हैं। अब हम डायरेक्टली अप्लाई चैलेंजेस पर चलते हैं, और मैंने यहाँ पर क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट पर मुझे अप्लाई करना है तो मैंने वेस्ट मैनेजमेंट पर क्लिक कर दिया। देखिए, एक फॉर्म फिर मुझे रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पर, और इस फॉर्म में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने एक सैम्पल इस सैम्पल प्रपोजल में मैंने देखी है वो आनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा, कहा जा रहा है कि आप अपनी टीम को क्रिएट करिए। यस, ऑफकोर्स टीम को क्रिएट करनी होगी। तो टीम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने टीम क्रिएट की थी उसमें नाम देना टीम को मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। आई थिंक यस, हमारी टीम का टीम नेम यहाँ पर देना होगा। मैं अपनी टीम को नाम दे रही हूँ। ABC, और इस तरह से मैंने अपनी टीम बना दी है, एक ही व्यक्ति की टीम बनाई है। चाहे तो हम बाद में फिर इसे एडिट कर पाएंगे। इस तरह से मेरी टीम यहाँ पर बन गई है, और टीम का कोड मुझे यहाँ पर मिल गया है 25491ABC। तो इस तरह से ये टीम जो मैंने तैयार कर ली है, तो अब मुझे चैलेंजेस की तरफ जाना चाहिए। आपके पास मैसेज भी है, टीम सक्सेसफुली क्रिएटेड, और क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड मेरा काम है तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर मैं जाऊंगी। और देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरा फॉर्म खुल गया है, और जो मैंने प्रपोजल आपको तैयार करने को दिया है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, उससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट ऑलरेडी आ गया, सेलेक्ट टीम, टीम मुझे यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। हमारे पास ये एक टीम है 25491ABC, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज से है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्री फिल्ड है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान हो गया है। और इसी तरह से ईमेल और मोबाइल नंबर है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यस, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने आपको बताया था वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर भरा जा सकता है। आप घबराइए नहीं, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आपको भरना है, आप चाहें तो हिंदी में भी इसे भर सकते हैं, तो हम हिंदी में भर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू खुल गया है। रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग ऑफ वेस्ट के बारे में मैं बात करूंगी, तो मैंने यहाँ पर ये कर लिया है। साथ ही में अब आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा प्रॉब्लम एड्रेस्ड का, ये भी मैंने आपको बताया है अपने सैम्पल प्रपोजल में। आपका जो प्रॉब्लम एड्रेस्ड है उसको यहाँ पर आप 500 शब्दों में लिख सकते हैं, तो ये 500 शब्दों में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसी तरह से क्या प्रोडक्ट आप देना चाहते हैं, जैसे हम इको फ्रेंडली ब्रिक्स की बात कर रहे थे, इस पॉइंट को भी मैंने अपने सैम्पल प्रपोजल में शामिल किया है। आप चाहें तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं कि किस तरह से आपका प्रोडक्ट जो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, साथ ही अपना प्रपोजल यहाँ पर आपको चूज करना होगा। इस प्रपोजल को यहाँ पर हम क्लिक करें और प्रपोजल चूज हो जाएगा, जैसे हमने अपना सैम्पल प्रपोजल बना के तैयार रखा है,
तो इस सैंपल प्रपोजल को यहाँ पर डाल देना चाहिए और ये सैंपल प्रपोजल यहाँ पर अपलोड हो गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको भरनी होगी। इन सारी इन्फॉर्मेशन को भरने के बाद ये फाइनल क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ टाइप करने होंगे और ये ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस है। फाइनली आई एम ऑथराइज्ड टू फर्निश दिस इन्फॉर्मेशन और सबमिट। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका प्रपोजल हमारे पास पहुंच जाएगा, यानी जो रिवार्ड्स मैंने आपको बताए हैं उन रिवार्ड्स के लिए आप कॉम्पीट कर पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को रजिस्टर जरूर कराएं। रजिस्टर करवाने के बाद आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया है, सोचिए और स्टार्टअप के आइडिया को इस चैलेंज के प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पर रजिस्टर करवाइए। अपने इस पूरे प्रोसेस में अपने आइडिया को आप कुछ होमवर्क तैयार रखें, प्रपोजल तैयार रखें और उसके साथ आप प्रोटोटाइप भी बनाना सीखें। तो देखिए किस तरह से प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, इस तरह से तो आप चैलेंज अप्लाई कर पाएंगे। प्रोटोटाइप किस तरह से बनाया जाएगा, आप अपने होम पेज पर डैशबोर्ड पर फिर से आ जाइए और ये यहाँ पर LMS वाला होगा। यहाँ पर अप्लाइड चैलेंजेस लिस्ट, यानी जो भी आपने चैलेंजेस अप्लाइड किए हैं उसकी लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। अभी तक हमने कोई चैलेंज अप्लाई नहीं किया है इसलिए यहाँ पर कोई लिस्ट हमें नहीं मिलने वाली। देखिए यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। जैसे ही हम चैलेंज अप्लाई करेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड बताएगा। नाउ अब मैं बात कर रही हूँ उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की जो आपको पूरे कोर्स को डेवलप करेगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने LMS पर क्लिक किया ये एक पूरा आपके पास मॉड्यूल्स अवेलेबल होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अपशिफ्ट के प्रोग्राम आएंगे। 54% इस स्टूडेंट ने पढ़ लिया है इस मॉड्यूल को। देखिए यहाँ पर 10 मॉड्यूल्स खुलेंगे विद्यार्थियों, ये आप जरूर से पढ़ें। आप चाहें तो इसे हिंदी में भी ले सकते हैं। यदि आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो ये हिंदी में सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हो जाएंगे। और ये सारे मॉड्यूल्स, जब तक आप पहला मॉड्यूल नहीं पढ़ेंगे दूसरा नहीं खुलेगा, दूसरा नहीं पढ़ेंगे तो तीसरा नहीं खुलेगा। हर मॉड्यूल के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। इस तरह से ये कुछ 10 मॉड्यूल, पहले मॉड्यूल को आप पढ़ते जाएंगे और अगले मॉड्यूल खुलते जाएंगे, आपके अनलॉक होते जाएंगे और इस तरह से आपके ये कुल 10 मॉड्यूल हैं। और इन 10 मॉड्यूल्स के बाद फाइनली एक 10वां टेस्ट आपको देना होगा और इस तरह से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जब ये सारे 10 मॉड्यूल और 10 टेस्ट आप पूरा कर लेंगे तो एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट आपको बताएगा कि आपने कितना परसेंट टेस्ट कवर किए, यानी कितने परसेंट मार्क। ये आपके मॉड्यूल के यहाँ पर जैसे ही आप 10 मॉड्यूल पूरे कर लेंगे आप यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट को देख पाएंगे और सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट इस मॉड्यूल में आपको बताया गया है कि किस तरह से प्रोटोटाइप क्रिएट किए जाने चाहिए। कई सारे टाइप्स के प्रोटोटाइप होते हैं। प्रोटोटाइप सिंपली आपका जो प्रपोजल है, जो आइडिया, एक छोटा रूप है। यदि उसे हम वास्तव में छोटे रूप में क्रिएट करके देखें, एक चाहे वो पिक्चर वे में हो सकता है, चाहे किसी फिजिकल वे में, छोटे वे में आप काम करके बता सकते हैं कि यदि ये काम करता है तो इससे सोसाइटी को किस तरह से बेनिफिट होगा। तो ये एक इस तरह का प्रोटोटाइप होगा। और यहाँ पर हम पूरा मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल है और उस पूरे मॉड्यूल के साथ हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से वापस हम अपने डैशबोर्ड पर आ गए हैं। तो मैंने एक-एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है गाइस। फाइनली आप जब भी चाहें तो अपने प्रोफाइल से लॉग आउट हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एज मेंटर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप अपने चैलेंजेस पर अप्लाई कीजिए और इन चैलेंजेस को आप भेजिए स्टेट लेवल के प्राइस के लिए। यानी आपके आइडिया में इतना दम होना चाहिए कि हम आपके आइडिया को स्टेट लेवल तक भेज सकें। तो गाइज फाइनली सो मच थैंक यू टू यू
आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित रहूंगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।